हेलो एनबी फैमिली, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त अमित शर्मा और आप देख रहे हैं नेचुरल बॉडी एस्थेटिक्स। तो दोस्तों, मैं आप सभी से सॉरी बोलना चाहता हूं क्योंकि मैं काफ़ी देर से यूट्यूब पर एक्टिव नहीं था, तो उसके लिए सॉरी। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं हर हफ्ते 3 वीडियोज़ कम से कम डालूंगा। और मैं इंस्टाग्राम पर एक्टिव था, तो अगर आप इंस्टाग्राम पर हो तो मेरे को प्लीज़ वहाँ पर फॉलो कर देना। मैं वहाँ पर फ़नी वीडियोज़, वर्कआउट वीडियोज़, डाइट रिलेटेड वीडियोज़ डालता रहता हूँ। और अगर आप इस चैनल पर अभी न्यू आए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज की वीडियो होने वाली है केक के ऊपर। आज की वीडियो में मैं आपको हेल्दी केक बताऊंगा जो कि आप अगर वेजिटेरियंस हो तब भी खा सकते हो, और अगर आप एगेटेरियंस हो तब आप उसमें एग्स ऐड कर सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं एग्स ऐड नहीं करूँगा, प्योर वेजिटेरियन हेल्दी केक बनाऊँगा जिसमें मैं आपको हर एक इंग्रेडिएंट्स बताऊँगा कि मैं कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहा हूँ और किस तरह से इस केक को आप बना सकते हो। अगर आप एज अ स्नैक मील घर पर खाना चाहते हो हेल्दी केक, तो आप इजिली बना सकते हो घर पर सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर। और अगर आप वेज हो तब भी आप एग्स को यूज़ कर सकते हो केक में। मैं यहाँ पर आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने बताया कि एग्स बिल्कुल वेज होते हैं, तो आप एग्स भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप एग्स नहीं यूज़ करना चाहते हो तब भी आप इस केक को ईजिली बना सकते हो। इस वीडियो को लास्ट तक देखना और इस केक को घर पर बनाकर सबको खिलाना और मेरे को बताना कि किस तरह से आपने ये केक बनाया। सबसे पहले हम लेंगे 3 बनानास, उसके बाद बेकिंग पाउडर, उसके बाद वनीला एक्सट्रैक्ट, उसके बाद हर्षी सिरप, हमने छोटा वाला पाउच लिया, उसके बाद हनी, इसकी जगह पर आप मैपल सिरप भी यूज़ कर सकते हो, उसके बाद हमने फ्लैक्स सीड्स लिए, सिनेमन, 1 स्कूप वे प्रोटीन, 100 फीट का सोया मिल्क, आलमंड्स और साथ में कैशियूस, और हमने साथ में लिया गेहूं का आटा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप इस केक को घर पर बनाते हो तो इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालकर जरूर मेरे को टैग करना ताकि मैं देख सकूं कि आपने किस तरह से केक बनाया। तो तब तक के लिए थैंक यू, बी हेल्दी एंड डोंट डू ड्रग्स।